इसका रेट सुनकर आप भी सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, 300 पार हो चुका है लहसुन। सैलरी जो नॉर्मल जो काम करने वाले दिहाड़ी है उनको तो नहीं खाएंगे, ऐसी ही सिचुएशन आ गया। जितने बार हर बार जो जितने पैसे लेकर आती थी उतने ही पैसे में क्या उस तरह का सब्जी ले जा पा रही? नहीं, उसमें नहीं ले जा पा रहे। हर चीज़ का महंगा है, आप मार्केट में देख लो, कोई ऐसा सब्जी नहीं है जो 80 रुपये 70 रुपये किलो नीचे है। जब ग्राहक आते हैं लहसुन का रेट पूछते हैं, उनको जब पता चलता है कि 300 पार हो गया तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन तो बहुत भारी रहता है। घर कैसे चलाना है ये तो एक लेडीज़ के लिए मतलब बहुत सोचने वाली बात हो गई है। अगर मौसम ठीक होता है तो सब्जियों में के दाम में कुछ फर्क पड़ेगा कि और बढ़ता चला जाएगा? बढ़ता चले। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बिगड़ चुका है। और ठीक उसी के साथ, मौसम के साथ साथ सब्जी जो बाज़ार है उसके दाम का भी मिजाज बिगड़ चुका है। यानी कि अब आपके जेब में, जेब का जो माहौल है, जेब की जो गर्माहट है वो बिगड़ने वाली है, क्योंकि सभी सब्जियों का दाम जो है वो अब आसमान छू रहा है, जिसमें टमाटर, लहसुन, गोभी सबसे आगे हैं। तो एक दुकान में खड़े हैं और इस वक्त हम पावर हाउस मार्केट में मौजूद हैं, जो सबसे फेमस मार्केट और सबसे पुराना मार्केट है। और एक भैया के दुकान में इन्होंने काफ़ी विनती के बाद इजाज़त दी है कि आप बैठ सकते हैं और न्यूज़ बना सकते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि अचानक से जो सब्जियों का दाम बढ़ा है वो उसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है। भैया नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए आप। पीर मोहम्मद। ठीक है भैया, बताइए कि जो सब्जियों का रेट बढ़ रहा है जी, इसके पीछे का कारण क्या नज़र आ रहा है? सर, पानी जो है, बारिश है ना, वो पानी ख़राब कर रहा है बारिश का, और तेज़ धूप जी, उससे माल सड़ रहा है, इसलिए माल कम आने की वजह से लेवाल तो उतने ही रहेंगे, तो रेट बढ़ते ही चले जाएगा उसका। तो जैसे आसपास के जिलों में काफ़ी भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से बाढ़ भी आ चुका है, और उस वजह से किसान परेशान है, टमाटर बेहाल है, टमाटर की जो खेती है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वह भी एक कारण नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, उसमें छींटे पड़ जाने, छींटे लोग ख़राब समझते हैं, लेकिन होता है असल में अंदर में थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन उस वजह से अब हर कोई पकड़ता नहीं है, उनको चाहिए फ्रेश टमाटर सस्ते में, नहीं दे पाएंगे, हमको खुद नहीं मिलता, किसान लाएंगे तब तो हम बेच पाएंगे सस्ता। लहसुन टमाटर तो तेज़ी से आगे बढ़ ही रहते हैं, अब साथ में सब्जी जो है, गोभी जो है, आपका बरबट्टी जो, ये भी अब मतलब आसमान छू रहा है। हाँ जी, वो क्या है कि ऐसा है कि पीतर चल रहा है ना, इस वजह से बरबट्टी, तुरई, इससे उसके वजह से थोड़ा महंगा है। हाँ जी, पीतर की वजह से थोड़ा महंगा रहता है, उसके बाद फिर धीरे 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 डाउन हो जाएगा। क्या लग रहा, उम्मीद है, बारिश एक वजह तो है ही, अगर मौसम ठीक होता है तो सब्जियों में के दाम में कुछ फर्क पड़ेगा कि और बढ़ता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब तक अभी ठंड चालू नहीं होगी, लोकल सब्जी आएगी नहीं, कम होने के चांस नहीं है। सब्जियों का जब दाम बढ़ता है तो आम आदमी के तो जेब में फर्क पड़ता ही पड़ता है, आप लोगों को भी पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, कमाई कम हो जाती है ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दुकान में अभी थे हम, बातचीत किए, आप देखे कि कुछ मुख्य कारण ऐसे हो सकते हैं सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं, और भी हम ग्राहक से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, वीडियो में बने रहिए। आपको पता होगा कि हमारे राज्य में जो भाजी होते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं, भाजी के जो दाम है उसके बारे में भी हम पूछ लेते हैं कि क्या रेट चल रहा है, और बारिश की वजह से क्या भाजियों में भी फ़र्क पड़ा है? क्या पड़ा है ना सर। तो ये जो माल है आप लोग भाजी कहाँ से लाते हैं? कुंडरदेही से। तो वहाँ का मार्केट का क्या माहौल है अभी, रेट वेट क्या चल रहा है? अभी थोड़ा टाइट है, टाइट चल रहा है, टाइट चल रहा है। तो कैसे पड़ जाता है आप लोगों को, जैसे जो तमाम प्रकार की भाजी आप उतार रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो लाल भाजी इसका क्या रेट चल रहा है? लाल 40 रुपये बिक रहा है, 40 रुपये बिक रहा है। पालक 60 रुपये बिक रहा है, पालक 60 रुपये। तो क्या ये बढ़ रहे हैं, पहले से बढ़े हैं कि कम हुए हैं? पहले से बढ़ रहे हैं। अच्छा, बढ़ रहे हैं। और आगे क्या उम्मीद है? आगे कम होगा, आगे कम हो सकता है। अच्छा, आपको पता ही है कि हमारे राज्य में जो भाजी जो है वो काफ़ी शौक से खाते हैं, और अनेकों प्रकार के यहाँ पर भाजी हैं। भैया क्या लग रहा है मार्केट का माहौल? मार्केट का माहौल टाइट रहेगा, अभी टाइट रहेगा, क्योंकि बारिश गिर रहा है, सब्जी तो बहुत सारी खराबें हो जाएंगी। ये जो अचानक से बारिश हो जा रहा है तेज धूप के साथ, इससे क्या फर्क पड़ता है खेतियों में? फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है, वो कुछ टमाटर जैसे दागी हो जाते हैं,
बाहर से जो आते हैं उसका किराया भाड़ा सब लगता है, सब महंगे होते हैं। जनता आ रही है, रेट पूछ रही है और अचानक से उनको बढ़ता हुआ दाम सुनने मिल रहा है, तो कैसा रिएक्शन होता है? कैसा नहीं है, वो ये क्या जो जिसको आधा किलो लेना है वो एक पाव ले जाता है, लेकिन ले जाओ, वो भी मार्केट का माहौल देखता है कैसा क्या है करके ले जाओ। स्क्रीन पे आप जो सफ़ेद सफ़ेद लहसुन देख रहे हैं, इसका रेट सुनकर आप भी सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, 300 पार हो चुका है लहसुन। और आपको इसके साथ ये भी बता दूं, जो खाद्य सामग्री होते हैं राशन वाले किराने स्टोर के जो होते हैं, जैसे तेल हो गए, दाल हो गए, उनके रेट में भी प्रभाव पड़ा है, वो भी अचानक से बढ़ गए हैं। तेल भी 18 रुपये प्रति किलो जो है टीन के हिसाब से भी बढ़ चुका है। तो पहले तो हम जान लें कि सफ़ेद सफ़ेद लहसुन का अचानक से जो ट्रिपल सेंचुरी पड़ा है, ये कैसे बढ़ गया भैया, क्या लगता है? ये गर्मी में क्या हुआ भैया, गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा माल कम हो गया है। क्या ये राजस्थान का लहसुन ज़्यादातर आता है? अच्छा, राजस्थान से लहसुन? हाँ, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है इस बार। अच्छा, तो वहाँ का माल क्या है, ख़त्म हो गया, माल कम हो गया, इसलिए रेट बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे हमारे ज़िले में तमाम प्रकार की जो सब्जियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, ये भी एक वजह है। हाँ, बाहर से माल आ ही रहा है अभी। हाँ, यहाँ का माल बहुत कम है और पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है यहाँ पे, इसलिए माल बहुत कम हो जा रहा है, इसलिए रेट बढ़ रहा पड़ रहा है। ये जो बेमौसम कभी कभी बरसात हो जाती है, इससे फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ, इससे फ़र्क पड़ता है ना, माल ख़राब होने का डर रहता है इससे। लहसुन में अभी बरसात गिरेगा ना तो माल कम हो जाएगा, लहसुन मरना चालू हो जाता है। जब ग्राहक आते हैं लहसुन का रेट पूछते हैं, उनको जब पता चलता है कि 300 पार हो गया, तो रिएक्शन क्या? रिएक्शन तो बहुत भारी रहता है उनका। क्या उनकी बात नहीं, हमारी बात, अगर हम खुद सब्जी खरीदने जाते हैं ना तो हमारा भी स्थिति डगमगा जाता है, क्योंकि रेट इतना हाई पाई है हर चीज़ का। भैया, अचानक से जो है सब्जियों का दाम बढ़ गया है, मत पूछो भाई, और उसमें टमाटर सबसे आगे है, लहसुन सबसे आगे है, गोभी सबसे आगे है, क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है आम जनता को? नाम तो किसी का नहीं ले सकते, बाकी सभी सब्जियों का रेट देख लो आप, जिसको हम 20 रुपये में खाते थे, आज 60 रुपये किलो इसका चल रहा है, गलका का 10 रुपये किलो, हम ये लौकी खाते थे 40 रुपये किलो लौकी का चल रहा है, वो मत पूछो। सैलरी जो नॉर्मल जो काम करने वाले दिहाड़ी है उनको तो नहीं खाएंगे, ऐसी ही सिचुएशन आ गया सब्जी। ये एक बहुत बड़ी बात बोला इन्होंने, जो मध्यवर्गीय जो लोग हैं 300 रुपये का जिनका रोजी चल रहा है, और 250-200 रुपये का सब्जी लेगा तो परिवार को किसमें चलाएगा, ऐसी कहानी आ गई अभी। मतलब जो जेब का मामला गड़बड़ा गया, बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, जेब बोलो तो अभी जेब में कुछ पैसा बची नहीं रहा, ऐसी सब्जी लेने में ही पूरे निकल जा रही है। और ये भी आया है जो रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें ये भी बताया कि तेल का दाम भी अचानक से बढ़ा, तेल का दाम भी अभी जब लास्ट मंथ में लिया था तेल को तो 1530 रुपये में लिया था, अभी जब इस मंथ में जाके तेल का रेट पता क्यों तो 2015 रुपये हो गया टीना में, इतना फ़र्क आ गया, इतना फ़र्क आया, तो सोचने वाली बात हो गई है, इतना महंगाई, ऊपर से दिहाड़ी कम है, मजदूरी भी उतना ज़्यादा नहीं मिलता मजदूर लोगों को, अब मीडियम वर्ग तो जैसे भी चला लेगा और निम्न वर्ग वाले कैसे चलाएंगे, ये कहानी हो गई अभी, तो थोड़ा सोचने वाला बात हो गया। अब कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो गया कि एक दो टाइम की सब्जी नहीं खाएंगे, दाल मिल रहा है या नमक मिर्च में, क्योंकि दाल भी तो महंगा ही हो गया, दाल भी तो महंगा ही हो गया, नमक मिर्च में निकालना पड़ रहा है, ऐसा कहानी आ गया अभी। सब्जियों का जो दाम बढ़ा है कैसा लग रहा है? सब्जियों का दाम तो बहुत है भाई, इतना ज़्यादा है कि लोग क्या खाए वो सोच रहे हैं कि सब्जी खाए कि या ऐसी नॉर्मली रह जाए। भैया ये बताइए, जो सब्जियों का दाम बढ़ा है अचानक से, वो आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल है? नहीं, बहुत बढ़ा हुआ भाई, 120 रुपये किलो झींगी लेना पड़ रहा है, समझे कि नहीं? आलू 40 रुपये था, अभी 60 रुपये किलो हो गया है, प्याज 20 रुपये किलो था, अभी 70 रुपये किलो है, क्या करेंगे बताओ, हर चीज़ का महंगाई, आप मार्केट में देख लो, कोई ऐसा सब्जी नहीं है जो 80 रुपये 70 रुपये किलो नीचे है। तो इस बार बता रहे जो सब्जियों का रेट बढ़ा है वो मौसम की वजह से बढ़ गया, क्योंकि सब जो बरसात है वो कभी भी हो गया है। बरसात तो हर साल आता है, 12 महीना में 4 महीना तो बरसात रहता ही रहता है जी, इससे पिछले साल तो इतना महंगा नहीं था। बहुत से सब्जियों में बरसात की वजह से, बाढ़ आने की वजह से प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में कौन सा बाढ़ है? है ना, दो चार जिलों में बाढ़ इस बार आया था, जिस वजह से टमाटर की खेती का नुकसान हुआ। मान के चलिए टमाटर का नुकसान हुआ, बाकी चीज़ का तो नुकसान नहीं हुआ ना, बाकी चीज़ों से जेब में फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क इसे नहीं पड़ रहा भाई, देखो तुराई लिया 120 रुपये किलो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये 60 रुपये किलो होता था, डबल हो गया, क्या करेंगे बताओ।
भैया जो है किसानी भी करते हैं और मार्केट भी लगाते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो आपसे तो बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आप ये बताइए, अचानक से जो बाज़ार का दाम बढ़ा है, सब्जियों के दाम बढ़ा है, इसमें आपको क्या क्या कारण नज़र आ रहा है? अभी सबसे बड़ा कारण है कि अभी मौसम के वजह से ना सब्जियाँ कम हो गई है, और बाहर की सब्जियां जो है ना मार्केट में बहुत कम आ रहा है, जो बाज़ार में बाहर में भी बाज़ार तेज़ी होने के कारण है, इसके वजह से यहाँ सब्जी ना महंगी हो गई है। अभी सब्जियों का दाम बढ़ने के कारण बहुत सारे ऐसे खेती किसानी वाले फार्मर हैं जो उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उससे मजदूरी नहीं मिलने की वजह से फार्मर खाली उनकी ज़मीन पड़ी हुई है, और कुछ खाद और दाम के दाम बढ़ गए हैं, खाद के बीज के, उसके वजह से लोग किसानी करने में परेशानी हो रही है। जैसे लहसुन का जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, लहसुन है, जैसे प्याज है, इसका ज़्यादा बढ़ा है। अब जितने बार हर बार जो जितने पैसे लेकर आती थी उतने पैसे में क्या उस तरह का सब्जी ले जा पा रही? नहीं, उसमें नहीं ले जा पा रहे। नहीं ले जा पा रहे। नहीं, तो फर्क पड़ा है, मतलब आम जनता के? हाँ, फर्क तो फर्क पड़ा है। तो सब्जियाँ महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई है। आप बताइए, 100 रुपए किलो गोभी हो गया है, परवल 80 रुपए किलो, आदमी खाए या बचाए यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले जितने पैसे लेके आते थे उसमें पूरा झोला भर जाता था, अब उतने पैसे में भर रहेगा झोला? नहीं, बिल्कुल नहीं, आधा झोला भी नहीं आ रहा है उसमें। तो क्या लग रहा है आपको, जो सब्जियों का दाम बढ़ गया है, इसके साथ तेल वेल का भी दाम बढ़ गया है? सारे तेल के बढ़ गए हैं, सब्जी के तो डबल तिबल ही रेट बोलेंगे, इतने ज्यादा हो गए, समझ नहीं आ रहा घर कैसे चल रहा है। घर में फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, घर कैसे चलाना, ये तो एक लेडीज के लिए मतलब बहुत सोचने वाली बात हो गई है। तो देख सकते हैं आप, जिनको घर संभालना होता है, जिन्हें तीनों टाइम की सब्जियां बनानी होती है, वो अच्छे से बता पाती हैं कि किस तरह से फर्क पड़ रहा है। तो आपने देखा, हमने कोशिश किया क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे थे बारिश की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से सब्जियों के दाम हो गए, तेल जो है, दाल जो है, तमाम ये सारी चीज़ों जो हैं जो आम तौर पे जो इंसान अपने जीवन में यूज़ करता है, खाता है, पीता है, ये सब सारी चीज़ों का दाम जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात नहीं है कि बारिश की वजह है, बारिश के मौसम से पहले से तमाम जो दाम है तमाम चीज़ों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने कोशिश किया कि मार्केट आए, मार्केट का भाव जाने, यहाँ का माहौल कैसा है वो भी जाने, आम जनता जो है जो ये दाम बढ़ा है उसको लेकर क्या सोचती है, जो दुकानदार हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनको कितना प्रभाव पड़ रहा है बारिश की वजह से, खेती की वजह से, ये सब सारी चीज़ों पर बात करने की कोशिश हमने किया। आपको क्या समझ में आ रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ये जो दाम बढ़े हैं वो आपको बढ़े हुए लग रहे हैं कि नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए KP News के साथ। शुक्रिया।